और बड़ी खबर भोपाल से बता दें, युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। चार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। पुरानी रंजिश के चलते युवक का मर्डर कर दिया गया और उसके बाद चारों आरोपी फरार है। मृतक और बदमाश दोनों राजनीतिक दलों से जुड़े हुए थे। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। शाहपुरा थाना क्षेत्र की यह घटना है। हरप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे बात करते हैं। हरप्रीत, क्या अपडेट, पुलिस क्या कर रही है आरोपियों को पकड़ने के लिए? बिल्कुल, देखिए देर रात का ये मामला है। करीबन 3 बजे युवकों के बीच विवाद हुआ है। जो चार युवक आरोपी हैं वो एक राजनीतिक दल के बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो मृतक है वो भी एक दूसरे राजनीतिक दल के युवा संगठन से जुड़ा हुआ है। पुरानी रंजिश बताई जा रही है। कल देर रात आमना सामना जब इन लोगों का हुआ तो इन चारों आरोपियों ने युवक अभिषेक भामोरे पर हमला कर दिया, चाकुओं से उसे गोद दिया, जिसके बाद जब तक परिजन उसे हॉस्पिटल लेकर जाते उसकी मौत हो गई। चारों जो आरोपी हैं वो फरार हो गए। फिलहाल शाहपुरा पुलिस ने उन चारों जो आरोपी हैं उनके परिजनों को थाने में बिठाया है। उनसे यहाँ पर पूछताछ की जा रही है और जल्द ही पुलिस ने दावा किया आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन बताना चाहेंगे कि राजधानी भोपाल में 2 दिन में ये दूसरी हत्या है जो सरेआम चाकुओं से गोद कर युवकों की गई। इससे पहले कल भी एक हत्या की गई सरेआम और कल ही देर रात यानी आज सुबह करीबन 3 बजे ये दूसरी हत्या अलग जगह पर हुई है। बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है साफ बयां कर रहे हैं हरप्रीत, जैसा कि आपने बताया 2 दिन में 2 ऐसे मर्डर हैं जो सरेराह कर दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए हरप्रीत।